आवास है। हाँ जी, आपने शब्द सुना, गुरु की महिमा का शब्द सुना है। गुरु का पहली बात ये है कि क्या हमारी जिंदगी में कोई रोल है, एक सवाल है जो मैं आज आपसे, क्योंकि इन्होंने एक शब्द गाया है, किस भाव से गाया है ये तो अशोक जी जाने, लेकिन मेरे सामने सारी एक इतिहास की एक पिक्चर घूम गई कि ये मेरा देश जो भारत है, ये गुरु महिमा के ऊपर बहुत इसका महत्व है। मेरे देश में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, और ये आज की नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि ये सतयुग से चली आ रही है। पहली कथा तो ऐसी है जो मैंने पढ़ी, अपने आप पढ़ी किसी पुस्तक में, कि जब इस शिष्य को बनाया गया तो इनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई कानून नहीं था। इंसान थे लेकिन पशुओं की तरह रहते थे, जो मिला खा लिया, जो कोई रिश्ता नहीं, कोई आपस में प्रेम नहीं, कोई संबंध नहीं, बस ऐसी सी दुनिया बेचैनी थी। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था और सब अपनी मर्जी के अनुसार जीते थे। तो कहते हैं नारद मुनि ने जब देखा नीचे आकर इस लोक को मृत्यु लोक को देखा, तो वो वापस गए ब्रह्मा के पास। ये शास्त्रों की कथा है कि उन्होंने कहा, महाराज आपने कैसी सृष्टि की रचना कर दी है, वहाँ तो कोई निजमी नहीं है, वहाँ तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, वहाँ तो कोई प्यार ही नहीं है, तो कोई ऐसी शक्ति पैदा करो जो उनको गाइड करे, उनको बताए भाई ये नहीं, ये ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर कहते हैं कि ब्रह्मा ने गुरु को पैदा किया, गुरु को ऐसा कहा गया है। तो गुरु ने आकर उन लोगों को, उस समय के लोगों को जीने का राज सिखाया, प्रेम सिखाया, कुछ सद्भावना सिखाई, को ऐसा लिखा है। कहाँ तक सत्य है मैं नहीं जानता। दूसरी कथा एक और है कि नारद मुनि जी हमेशा चलते रहते थे, और वो सभी महापुरुषों के पास जाते थे, सभी देवी देवताओं के पास जाकर प्रणाम करते थे। तो एक दफ़ा वो ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचे, तो वहाँ बातचीत की, बातचीत करके जब चले, तो जब ब्रह्मा जी जा रहे हैं नारद जी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि जहाँ वो बैठा हुआ था, नारद मुनि जहाँ बैठा हुआ था, उसकी सफाई की जा रही है, उसको धोया जा रहा है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये पता नहीं क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई कि मैं पूछूं जाकर के, महाराज ये क्या किया, मैं तो यहाँ बैठा था, मेरा आसन था, आपने इसकी सफाई कर दी। तो कहते हैं जब वो वापस आया, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि तुम जहाँ भी जाओगे उस जगह को अपवित्र करते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो नारद के पांव से मिट्टी निकल गई कि महाराज तो मैं फिर क्या करूं, अब मैं आपको गुरु बना लेता हूं, तो नहीं तो विष्णु भगवान के पास जाता हूं, उनको गुरु। कहते वो कोई भी तेरा गुरु नहीं बनेगा, तेरा गुरु इंसान बनेगा। इंसान ही इंसान को गाइड कर सकता है, देवता नहीं कर सकता, कोई देवता तेरी अवतार मदद नहीं करेगा। तो कहते महाराज मेरे पर कृपा करो, बताओ मैं क्या करूं। कहते ऐसा है, कल सुबह मातलोक में चले जाना, कल सुबह मातलोक में जिंदगी इस दुनिया में चले जाना, और जो सुबह तुम्हें आदमी मिले उसको मत्था टेक देना, वो तेरा गुरु। तो वो आ गया इस पृथ्वी पर, आया तो क्या देख रहा हूँ, जहाँ वो उतरा वहाँ एक आदमी झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, वो सफाई कर रहा है। तो उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा था कि जो तुम्हें पहली दफ़ा मिले उसको अपना गुरु मान लेना, ये क्या करूँ, ये तो नीच आदमी है, मैं इसको गुरु कैसे मानूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, बेवकूफ़ ये नीच नहीं है, यही तेरा गुरु है। तो उसको उस वाल्मीकि उस सफाई करने वालों को गुरु माना। ये हमारी परंपरा है, भारत देश की परंपरा है। ये और बात है कि आज हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं,
और हम ही नहीं पथ भ्रष्ट हुए लेकिन हमारे गुरु भी पथ भ्रष्ट हो जाए, मैं तो यूं कहूंगा। और मैं क्या कह सकता हूं, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है हमारे जीवन में। और सबसे पहला गुरु तो हमारी माता है जो हमें जन्म देती है और हमें बोलना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। फिर हमारा पिता गुरु है जो हमें शिक्षा देता है। फिर हमारे भाई बहनें जिनमें हम पलते हैं वो भी, जहाँ जहाँ से हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं। ये सांसारिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। दुनिया का कोई काम ले लो आप, जीवन को गुजारने का कोई काम ले लो, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई काम करेगा, किसी का गाइडेंस नहीं लेगा, किसी को गुरु नहीं मानेगा, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे कुछ भी है, उसको गुरु के चरण में जाना ही पड़ता है। दुनियादारी के हिस्से में मैं तो अपनी बात बता देता हूँ कि जब मैंने पहले ड्राइवर रखा हुआ था, जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त पेंशन बहुत थोड़ी होती थी, 1800 रुपया ले जाता था, उस जमाना सस्ता था। ये 97-98 की बात कर रहा हूँ। जब 6 महीने हो गए तो मैंने देखा कि 1000 रुपया पेट्रोल पर लग जाता है, 1800 उनको दे देता हूँ, 4500 पेंशन मिलती। तो मैंने एक दिन, वो फौजी था, मैं कहा फौजी ठहर, वापस आना था, ठहर खड़ा हो जा। मैंने 20 रुपये निकाले, उनको उनके हाथों में रखे और उनको मैंने पैर छुए ऐसे। मैं कहा तुम मेरे गुरु। कहते साहब क्या कर रहे हो? मैं कहा कर नहीं रहा, ये सिद्धांत है, अब तू मेरा गुरु, मेरा ड्राइवर, मेरे सिखाना है, मैं बैठता हूँ, मेरे ड्राइवर ही सिखा, मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ। तो उसने 2 चक्कर मेरे लगवाए कॉलेज में, बात बड़ी समझ गए। दूसरे दिन मैं ड्राइवर, मैं खुद ड्राइवर बन गया, मैं ले आया उन्होंने गड्डी ले आया, कहता अब सर मुझे छुट्टी दे दो, आप गाड़ी सीख गए। बात समझ गए ना, कोई काम दुनिया का बगैर गाइडेंस के नहीं होता। और फिर ये तो अध्यात्म है। अब जिस गुरु की मैं बात करने लगा हूँ या जिसके बारे में अशोक ने शब्द गाया है, वो गुरु दुनियादारी का भी है और वो गुरु अध्यात्म का भी है। और गुरु वही होता है जो दीन भी बना दे और दुनिया भी बना दे। मेरी बात समझ गए? वो गुरु है जो केवल एक काम सिखाता है, दूसरा नहीं सिखाता, अपना मतलब करता है, आपका मतलब की बात नहीं करता, वो गुरु नहीं हो सकता। पहली बात ये है। अब मैं आज आपको इसी शब्द को लेते हुए दादा दयाल जी महाराज का शब्द सुनाता हूँ कि गुरु कहते किसको और गुरु के मिलने के बाद क्या होता है और मैं कैसे गुरु मत में आया। मैं तो छोटा था, 6 साल का था, 5 साल का होऊंगा, और गांव में क्या होते थे, पशु चराया करते थे, स्कूल से आना, पशु छोड़ देने, चल बच्चा इनको चला के ला, ठीक है ना। तो मेरे गांव में एक आदमी की डेथ हो गई, मैंने नहीं देखा था किसी को मरे हुए, मैंने नहीं सोचा था कोई मर भी जाता है, क्या होता है, बच्चा था ना। तो देखा क्या है कि वो आदमी को 4 आदमी ने उठाया हुआ है, उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, रो रही औरतें, आदमी भी रो रहे हैं, और उसको जाकर चिता में रखा और आग लगा दी। मैं देख के डर गया कि इस आदमी को मार दे, क्या हो गया, जलाए दिया इसको बेचारे को। अपनी माँ से सवाल किया कि माँ ये आदमी को क्या हो गया। उसने कहा बेटा वो मर गया। मर गया तो मरकर कहाँ गया, वो मालिक के पास चला गया, भगवान के पास चला गया। अब 2 बातों का पता लगा कि मरने के बाद आदमी भगवान के पास चला जाता है। फिर सवाल किया कि वो मरा क्यों, वो बूढ़ा हो गया था। तो मैं क्या, माँ तुम ही बूढ़ी हो रही है, तू भी मर जाएगी तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा, पापा बूढ़ा हो गया वो भी मर जाएंगे। तो उसने मुझे गले में लगा लिया, क्या बेटे ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बातें बच्चे नहीं करते। तो रात को जब सोने लगा तो सारा सीन मेरे सामने आया और उठकर मैं बहुत रोया, दहाई मार कर रोया कि क्यों आए दुनिया में, अगर मर ही जाना है तो फिर आए क्यों इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए, मारे बड़े हुए, बूढ़े हो गए, बच्चे पैदा किए, बूढ़े माँ मर गए, क्या हुआ। तो माँ दौड़ी आई, पूछा बच्चा क्या हुआ तू। मैंने कहा माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मेरे पेट दर्द है ना मेरे सिर दर्द है, मुझे ये बता
कि आदमी क्यों मरता है, किस लिए आया दुनिया में। कई सवाल किए, माँ ने एक ही बात मुझे कही कि बच्चा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। एक बात कही वो मुझे आज तक भूल, कहते गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु का पहला शब्द मैंने सुना उनके मुख से, कि केवल गुरु बता सकता है, गुरु ही इंसान को पार कर सकता है, उसके बगैर गति नहीं है और शाह के बगैर हमारी इज्जत नहीं रहती। मैं कह माँ वो कहते क्योंकि बच्चियों की शादी करनी है तो पैसा पादरी शाह से ले आएंगे, इज्जत बच जाएगी। तब से ये गुरु का प्रश्न मेरे दिमाग में आया और मैं 6 साल से गुरु की खोज में लगा और 12 साल के बाद मुझे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज मिले। उनके संगत में बैठकर, उनके वचन सुनकर, उनकी रेडिएशन लेकर, उनकी गाइडेंस पर चलकर, अपने जीवन को उस तरीके पर चलाकर मुझे क्या मिला वो मैं आज आपको सुना देता हूँ। जब दया गुरु की हुई क्या हो जाता है, निश्चय की शक्ति मिल गई। पढ़ो ये सवाल, दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुनाता हूँ। कुदरती इन्होंने शब्द गुरु का बोला, तो गुरु करता क्या है? गुरु बच्चे नहीं देता, गुरु धन नहीं देता, गुरु प्रमोशन नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, लेकिन गुरु सब कुछ करता है। कैसे करता है वो मैं आज आपको बताने लगा हूं। पढ़ो पढ़ो क्या सवाल है। हाँ, जब दया गुरु की हुई चरणों की भांति मिल गई। पहली बात कहते हैं दाता दयाल महर्षि शिवप्रतलाल जी महाराज, उनको अपने गुरु से क्या मिला? राय सालग्राम साहब जी महाराज से, ये तो वो जानते हो जिन्होंने ये शब्द लिखा, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात करूंगा। सबसे पहले क्या होता है जब गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले कि हमारा मन हमारी सोच, हमारे विचार, मन पहली बात, दूसरा वचन, तीसरी बात, तीसरा कर्म, तीनों बदल जाते हैं। सबसे पहला ये असर होता है आदमी के ऊपर, मन के ख्याल। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर शरीर की ऑपरेशन करते हैं, शरीर की काट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मैं मन का ऑपरेशन करता हूं। क्या मतलब? कि गुरु इंसान के ख्याल को बदल देता है। सबसे पहले मन बदलता है, मन बदला तो फिर क्या बदलेगा? वचन भी बदल जाएगा, वो क्रोध चला जाएगा, वो स्वार्थ चला जाएगा, वो लालच चला जाएगा, वो लोभ भी धीरे धीरे कम होकर संतोष में बदल जाएगा। हर चीज बदलना शुरू हो जाती है अगर इंसान गुरु की वाणी के ऊपर चले। फिर कर्म भी बदल जाता है, कर्म फिर कुदरत ऐसा देती है जिसमें हेरा फेरी है ही नहीं, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें धोखा नहीं है, जिसमें फ्रेम नहीं है। फिर कुदरत ऐसा इंतजाम, मेरा तो ऐसा इंतजाम कर दिया कि मुझे कॉलेज का एक लेक्चरर बना दिया और बच्चों की सेवा की मुझे ड्यूटी दे दी, जिसमें कोई ना झूठ था, ना हेरा थी, ना फेरा थी, ना धोखा था, ना किसी चीज़ों का पखंड था। बहुत अच्छी मैंने को ड्यूटी दी और उसके बाद ये ड्यूटी आपकी सेवा की दे दी। अब बताइए तुझे किसकी कृपा है? मिल गई ना चरणों की भक्ति। किसके चरणों की भक्ति? जय दाता मेरे कहा करते थे कि मुझे वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो जो मुझे असलियत का ज्ञान नहीं हुआ था, दाता ने मुझे कहा था कि फकीर तुम मेरे वचन पर चलता चल, तुम्हें राधा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। तो आप उनके सत्संगी हैं तो क्या मुझे आपके चरणों की सेवा नहीं मिल गई? क्या कहा मैंने? अभय कुमार जी फिर पढ़ो यही लाइन, चरणों की भक्ति मिल गई। चरणों की भक्ति क्या हो गई? कि गुरु के वचन के ऊपर चलना, पूर्ण विश्वास से चलना,
एक आस और एक विश्वास लेकर चलना, फिर जिंदगी क्या हर लम्हा बदल जाता है, खुशहाल हो जाता है। मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि गुरु के पास जाने से अगर तुम्हें और कोई मांग नहीं है, एक शर्त है, क्योंकि मेरी और कोई मांग ही नहीं थी, गुरु की मांग थी। और गुरु से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है और जीवन का राज मिलता है। तो कहाँ मिला? गुरु के चरणों में बैठकर मिला। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, और जब गुरु की दया हो जाती है तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, उसको दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती, वो बेफिक्र हो जाता है। क्यों? प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तब डोरी तेरे हाथ में है। आगे बढ़ो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भांति मिल गई, सब निबलता मिट गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात, दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी महाराज को लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा का ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान देवान। तो तीसरी क्या चीज बनी? निबलता चली गई, अबलता चली गई, निबलता भी गई, अबलता भी गई, अज्ञान भी गया। निबलता है हमारे शरीर की कमजोरी, दाता ने याद दिला दिया 18 साल की उम्र में ही कि 25 साल तक अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखो, जहां तक हो सके शारीरिक और मानसिक अपने ख्याल की ताकत को कंट्रोल में रखो। हालांकि मैं 24 साल का था जब मेरे ससुराल ने मुझे मजबूर किया, एमए कर ली थी, कि अब तुम अपनी पत्नी को ले आओ, बेटा हमारी बेटी को ले आओ। तो मैं एक शर्त पर लाया कि मैं एक हफ्ते से ज़्यादा उनको अपने पास नहीं रख सकता, और उसके बाद एक साल के बाद जब मैं 25 क्रॉस कर जाऊँगा उसके बाद मैं उनको अपने घर में पत्नी के रूप में लाऊँगा। बात समझ गए? क्योंकि गुरु की हदायत ऐसी थी, तो मैंने उनको भेज दिया एक हफ्ते के बाद ही, छुट्टी कर जाओ बेटा, मैं फिर आया आपको लेने के लिए। मारी बात समझ गए? तो कैसे वो निबलता? एक तो निबलता गई, दूसरी अबलता, जो मन चंचल था उसको ठहराव मिल गया। किस बात का? कि मेरा गुरु मेरे साथ है, ये ठहराव मिल गया। कोई इंसान, जैसे हमारा शरीर है, ये भोजन चाहता है, भूख लगी भोजन चाहता है, प्यास लगी पानी चाहता, चाहता है कि नहीं? शरीर को सहारा किस चीज़ का है? भोजन का, पानी का, गर्मी में ठंडक का और सर्दी में गर्मी का सहारा चाहिए ना, तो हम सहारा इसको देते हैं। तो ऐसे ही मन को सहारा चाहिए, वो अबल है, उसको सहारा नहीं है। जिनको सहारा नहीं है वो दौड़े फिरते, कहाँ दौड़े फिरते हैं? कोई मंदिरों में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, कोई कहीं को कहीं जाते हैं ना, ताकि मन को ठहराव मिल जाए, मन को सहारा मिल जाए, महान मन की कमजोरी दूर हो जाए, इसीलिए जाते हैं ना। और क्या है कि हमारे को कुछ चाहिए ताकि वो हमारा काम बन जाए तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी तो अबलता चली गई, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे गुरु मिल गया, फिर मैं कहीं जा नहीं गया, निश्चय हो गया कि यही सब कुछ है जिन्होंने मुझे 18 साल की उम्र में अपने चरणों में ले लिया। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए दुनिया में कोई देवी कोई देवता कुछ नहीं रहा, और क्या रहा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। ये विश्वास हो गया, और इस विश्वास से मैं निबल अबलते सबल बन गया, ताकत मिल गई। और अज्ञान क्या था? मुझे मेरा ही पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब मुझे ये आदेश दिया कि बेटा आपने कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी,
तो मन की किताब को जब पढ़ने लगा तो पता लगा कि मैं तो हूँ ही नहीं। क्या कहा बाबा फकीर जी ने एक दफा यहाँ सत्संग में कहा, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया। मैं उस वक्त बड़ा सोचता था कि महाराज जी ने मेरे सतगुरु ने ये बात कैसे कह दी कि मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया, मैं ही नहीं रही। तो वो चीज़ का पता मुझे लग गया जब उन्होंने ये कहा कि बच्चा मन की किताब पढ़ना और कोई किताब नहीं पढ़ना। तो मन कहाँ, शरीर में है, शरीर में उतरा तो पता लगा कि तू तो कुछ करता ही नहीं रे, तू क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। जो किया हर किया, जो हो रहा है इसकी कोई हस्ती कर रही है मेरे लिए, तो मेरे को क्या चिंता किस बात की। मेरे शरीर की सारी संभाल वो कर रहा है, मेरे अंदर जो हो रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो बाहर में भी मैं क्यों चिंता करूं। जो अंदर में सब कुछ कर रहा है गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिछड़े, ऐसा कहा गया है। कबीर साहब ने ऐसा कहा कि जिसने गर्भ के माता के गर्भ में मेरी सारी देखभाल की तो क्या बाहर में वो नहीं कर रहा है, तो विश्वास हो गया कि मैं तो हूँ ही नहीं, जो कर रहा है वो ही कर रहा है, ये विश्वास हो गया। क्या मिला, निश्चय की शक्ति मिल गई। किसके कारण, गुरु की दया के कारण मिली है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने ये किया मैंने ये किया, ये मूर्खता है, ये अहम है। नहीं ऐ इंसान, तूने कुछ नहीं किया, ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर। कबीर साहब ने कहा है जो कुछ किया सोहर किया भयो कबीर कबीर। लेकिन इस बात को दुनिया कहाँ समझती है, इस बात को समझती नहीं है। सब ईगो में है, अहम में, अहम ब्रह्मास्मि कोई कहता है, कोई कहता मैं ये बन गया, कोई कहता मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता दाता दयाल कह के, कोई कहे मैं ज्ञानी रे भाई, कोई कहे मैं वेद पढ़े हैं, कोई कहता मैं ये किया है। सब अपने मन के मारे हुए हैं, किसी को गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु की जब दया हो जाती है तो ये होता है जो मैं बता रहा हूँ। आगे चलो, आगे सत्संग में आए, संग सत का हो गया। अब क्या मिला, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। संत मत और गुरु मत, जब तक तुम गुरु मत में नहीं आओगे तुम संत मत को नहीं समझ सकते। ये बात नोट करो, पहले संत मत को समझना गुरु के बगैर अति कठिन है। केवल गुरु है जो तुम्हें संत मत की लाइन पर ले जाएगा। और वो क्या कहते हैं, आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। क्या वो सत्संग है, यहाँ त्रेता की बात की जाती है। क्या वो सत्संग हो सकता है जहाँ द्वापर की बात की जाती है। क्या वो सत्संग हो जाता है जहाँ कथाएं सुनाई जाती हैं दूसरे लोगों की। वो कथा नहीं है, वो चीज़ नहीं है। सत्संग ये बताता है कि तू ऐ इंसान तू है क्या, क्या तू शरीर है, समझो सोचो बात को। क्या तुम मन हो, क्या तुम आत्मा हो, क्या तुम प्रकाश हो, क्या तुम शब्द हो, या इन चारों से परे रहने वाले हो, उसको कहते पांचवा पद। तुम वो हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम आत्मा हो, ना तुम प्रकाश हो, ना तुम शब्द हो, बल्कि इनको सुनने वाली हस्ती हो, और वो हस्ती जो माल के कुल की अंश है। शरीर पांच तत्व का है, जैसे इसमें से पंछी उड़ जाएगा या मिट्टी हो जाएगा। चाहे कोई संत है, चाहे कोई महात्मा, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई कुछ है, चाहे कोई कुछ है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। माटी एक अनेक भांति से साजी सजहार है, ये कुछ भी नहीं है। और मन क्या है, मन भी है नहीं, मन भी है नहीं, ये संस्कारों की पोटली है जो पिछले जन्म से हम कुछ लेकर आए हैं। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख, ये तीन चीजें हैं जो हमारे जीवन को बनाए हुए हैं।
को जो हम यहाँ करते हैं, जो किया अब तक, या जो पिछले जन्म का है, या जो हम कर रहे हैं, इसी के तीनों के चक्कर में हम रहते हैं। हम तीनों से आज़ाद नहीं होते जब तक हम अपने आप को उसके हवाले नहीं करेंगे। करे करावे आपे आप, मानुष देखे कुछ निहात, तब जाकर ये ज्ञान प्राप्त होगा जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए असलियत क्या मिलती है कि सत्संग में गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु तुम्हें तुम्हारा रूप दिखा देता है कि तुम हो क्या, तुम वो हो, तुम्हारा ये नाम वो नहीं है, तुम्हारी जाति ये नहीं है, तुम्हारा धर्म भी ये नहीं है, तुम्हारा देश भी ये नहीं है, तुम किसी और देश के रहने वाले हो। वह गुरु जब बता देता है तो इंसान ठहर जाता है। ये तो नहीं देश तेरा, दाता दयाल लिखते हैं परम दयाल जी महाराज को, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार ही तज मो माया। ये है असलियत। जो हमारे मन में जो भी ख्याल पैदा होता है, जो भी विचार पैदा होता है, जो भी कल्पना पैदा होती है, ये कुछ भी नहीं, ये माया है। बस इससे बचना है, तुम्हें अपना रूप पता लग जाएगा। जब तक तुम मन के खेल में हो, तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है, हर वक्त आती है, जो भी तुम काम गलत करते हो, तुम्हें अंदर से गाइड किया जाता है। तुम अभ्यास में बैठे हो, कहीं मन दौड़ता है तो भी तुम्हें आवाज़ वापस आ, बच्चा ये इधर तेरा काम नहीं है जाने वाला, इस मन के पीछे मत लग, इधर आ जा, इधर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। ये सब कुछ होता है, मगर हम परवाह नहीं करते। हमें कोई मारने वाला नहीं है, हमें कोई दुख देने वाला नहीं है, हमारा मन ही हमारे दुख का कारण बनता है। जो होता है उसको होने दो, जो करेगा सो भरेगा, हमको भय उदास। बाबा फरीद ने कह दिया, फरीदा तेरी झोंपड़ी गलकटन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, हमको भय उदास। लेकिन जो लोग दुनिया को देखकर दुखी होते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ये सत्य नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बाहर मुखी है। तुम अपने आप में जाओ, तुम क्या करते हो, बस बाकी दुनिया को छोड़ो, फिर पढ़ो यही लाइन। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। किस सत का, किस सत का? तुम्हारे अपने रूप का ज्ञान हो गया। तुम कौन हो? Who are you? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यही क्या नाम है वो विवेकानंद जी, ये एक ही क्वेश्चन था, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अपने आप को सवाल करो, मैं कौन हूँ, तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा। अपने आप को तो पूछो, तुम तो अपनी ख्वाहिशों को लेकर, अपनी दुनिया की मांगों को लेकर भटके हुए हो। अरे कौन है किसी को? मेरे घर में एक दिन एक पंडित जी आ गए, अभी दिवाली के बाद पंडित जी आ गए, बैठो पंडित जी, पानी पियोगे कि दूध पियोगे कि चाय पियोगे? मैं कुछ नहीं पीऊँगा जी, वैसे आया दर्शन करने का, क्योंकि वो पंडित था जिसने मेरे मकान की पृथ्वी की पूजा की थी, मैं इसलिए इज्जत करता था उसकी। तो बात चल पड़ी उसके साथ, मैंने कहा पंडित जी सुनाओ, बच्चे भी बैठे थे, मेरी बहू भी बैठी थी, बहू ने पूछा पंडित जी सच बताओ कि जो आप बताते हो कि ये सत्य है, जो भी कुछ आप बताते हो, आपको इन चीज़ों का ज्ञान है? वो चुप रहे पंडित जी, वो समझ गए मेरे इशारे को कि मैंने कुछ कह देना है। मैंने कहा पंडित जी जब तुम्हारे तुलसीदास जी कहते हैं लिखा ललाट टरे नहीं तारा भारी को मेटन हारा, तो तुम्हारे ये जो तुम कहते हो पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये करना है, ये वो करना, उसका कोई असर होगा? वो चुप रहा। बात समझ गए। मेरे पास कोई और सज्जन आए, मेरे घर में आए, तो मैंने उनके हाथ में बड़ी मुंदरियाँ देखी, पुखराज भी डाला हुआ था। पुखराज जानते हैं आप? पुखराज गुरु का रूप है, पुखराज जो दाएं हाथ में सोने की में डाला जाता है,
जिनके गुरु नहीं होता मजबूत, वो ऐसा डालते कि शायद हमारा गुरु जो बृहस्पति है वो खुश हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये तूने ये तीन चार क्यों डाली हुई हैं बताना जरा, बैठा मुझे कितने जी माता जी ने डाल दी थी। तो मैं कहा फिर मेरे पास आने का क्या फायदा हुआ, तुम्हें ब्रह्म है तो ऐसा होगा, तो ये डाल लो तो ये हो जाएगा, ये डालेगा तो फिर मुंद्रियां डालने से क्या तुम बच जाओगे? नहीं बच पाओगे। तुम्हारा ख्याल बदल सकता है, तुम्हें इतना थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि मैंने मुंद्री डाली है तो हम मंगल ने ऐसा नहीं करना, ये बुध मेरे हक हो जाएगा या राहु मेरे हक आ जाएगा या नो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, हम इस ब्रह्मांड से नहीं आए हैं, इस ब्रह्मांड से परे से आए हैं, बहुत दूर से आए। तो हर ब्रह्मांड में अपने अपने ग्रह हैं, लख आकाश आकाश लख पताल पताल हैं, ये कोई नहीं है ये आकाश, बहुत और आकाश भी हैं। तो क्योंकि हम इस इन कुलों से होकर आए, हमारी सुरत जो इधर से होकर आई है, सूर्य से चांद से मंगल से बुध से शुक्र से सब होते हुए आई है, इस शरीर में यहाँ आई है। स्वामी जी ने एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, कभी सुनाऊंगा आपको। उन्होंने सारा बताया कि कहाँ कहाँ से आकर ये सुरत यहाँ आई, फिर मन में आई, फिर ज्ञान इंद्रियों में आई, फिर कर्म इंद्रियों में आई और इसने अपना संसार बना लिया। बात समझ गए? तो जो जो जिस जिस ग्रह से हम होते हुए आए हैं, जैसे हम किसी नदी से होकर आए नहाकर, उसकी ठंडक रहती है ना, उसकी ठंडक रहती है, आग के पास से आएंगे तो आग की गर्मी साथ माने रहेगी, किसी अच्छी संगत में गए वो संगत का असर तुम्हारे ऊपर रहेगा। बात समझ गए मेरी? जिस भी संगत में आप जाओगे उस संगत की रंगत तुम्हें जरूर होगी। तो इसलिए हमारा जो जीवन है ये निर्धारित है, ये सारा कुछ लिखा गया है, ये सारा कुछ निर्णय पहले ही हुआ हुआ है कि ए इंसान तू जिंदगी में क्या करेगा। ये मेरे दाता ने मुझे वहाँ बैठे समझाया था, उस कोने में बैठकर। उनका बेटा एवरीबॉडी इज डेस्टिन्ड टू डू इट पर्टिकुलर जॉब, तू मेरे पास आया है, तेरे मेरे पास आने का भी पर्पज है, कुदरत ने तुम्हें मेरे पास भेजा। मेरी बात समझ गए? और एक बार तो मेरे दाता ने जब वो मेरे पास धर्मशाला आए तो मैं दौड़ कर, उनको बस से आ रहे थे, जाकर दौड़ के उनके चरणों में गिरा और प्रणाम किया, तो दाता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे हाथ रखकर मेरे को कहते बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मैं नहीं कह सका उनसे कि महाराज बता दो, मुझे क्या बताने की जरूरत थी, मैं तो महसूस कर लिया था, मुझे तो पता था कि उनके आने का राज है और वो राज मुझे दे गए। क्या था वो? क्या था? क्या मिला गुरु सत्संग से? क्या मिला? आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। जब गुरु की दया हो जाती है तो फिर वो खुले आम नहीं कहते, तुम्हें सिलेक्ट करके कहेंगे बेटा ये बात इक्कण नहीं इक्कण है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने अभय कुमार, जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई, आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। फिर क्या हुआ आगे बोलो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। अब सबसे बुरी बीमारी क्या है इंसान तेरे में? दुर्मति, बुरी मत, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा बोलना, ये दुर्मति है। तो जब गुरु के चरणों में चले गए तो ये सब कुछ देखना भी सुधर जाता है, बोलना भी सुधर जाता है और सुनना भी सुधर जाता है। यही नहीं कर्म भी बदल जाता है। कर्म करोगे लेकिन बहुत विचार से करोगे, किसी के हित के लिए करोगे, ये नहीं कि मेरा पेट भर जाए वो झक भूखा मरे, फिर ये नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? सबसे बड़ा जो जो हमारे में नुक्स है,
इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बढ़ाए शनिशन, तू किसी के अवगुण देखना बंद कर दे। और फिर दाता दयाल जी महाराज ने एक बार कहा, मैंने पढ़ा, महाराज परमदयाल जी महाराज ने बताया, भाई जी महाराज होते थे हमारे निजामाबाद वाले, उनको कहा भाई जी शहद की मक्खी बनो, दूसरी मक्खी मत बनो, शहद की मक्खी सिर्फ शहद लेती है, फूल का नुकसान नहीं करती, दूसरी मक्खी गंदगी फैलाती है, ये कहा उन्होंने, तो शहद की मक्खी बनना है, हमने अच्छाई को लेना है, बुराई का त्याग करना है। सत्संग में आ गए तो दुर्मति अगर नहीं बदली तो फिर सत्संग का कोई फायदा नहीं है। ये पहली बात दाता दयाल जी महाराज ने कंडीशन लगा दी कि गुरु के दरबार में आने से क्या। हाँ एक बात और कह देता हूँ कि अगर तुम इस ख्याल से आए हो कि मेरे मन की सोच बदल जाए तो बदल जाएगी। अगर इस ख्याल से नहीं आते हो कि दुनिया की डिमांड है तो वो दुर्मति बनी रहेगी, वो नहीं जाएगी। जो इस ख्याल से, मैं तो इस ख्याल से आया था कि मेरा जीवन बदल जाए, मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता हूँ, क्या लेना इस दुनिया से, ये देश क्या है, ये सपना है, ये संसार क्या है, ये सपना है, कभी बदलता है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी दुख है, कभी सुख है। एक उस अवस्था में जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो या तुम्हारा वो मालिक है और कुछ भी नहीं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि वहाँ तुम ही नहीं हो, वहाँ वो ही वो है, न मैं न तू, न मेरा न तेरा। तो वो दुनिया अच्छी है कि ये दुनिया जहाँ अनेकों झगड़े, अनेकों फसाद, न जाने क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। ये दुनिया नहीं सुधरी ना सुधरेगी, लेकिन कुदरत है, वो बैलेंस बनाएगी बनाएगी बनाएगी, वो छोड़ेगी नहीं। क्या कहा मैंने, आगे चलो। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना। अब एक बात और कह दी दाता दयाल जी महाराज ने, प्रेम का प्याला पिया, कहाँ पिया, कहाँ पर कौन सा प्याला पिया, प्रेम का प्याला पिया, किसके साथ बैठकर पिया प्रेम का प्याला, कौन सा प्रेम, वो कौन सा प्याला जिसमें प्रेम है, सत्संग की वाणी, सत्संग का वचन, वो हृदय में उतर गया तो फिर क्या हो गया, मत वाला हो जाता है। क्या कहा सुखबीर मैंने, उस प्याले को पीकर, जिस प्याले में सतगुरु की वाणी आपको मिल रही है, जिस प्याले में सतगुरु अपना शब्द आपको दे रहा है, जब वो हमारे अंदर उतर जाता है तो हम उसके मत वाले हो जाते हैं। किसके, गुरु के मत वाले हो जाते हैं, हम वो मत वाले नहीं जो सड़कों पर पी के गिरते हैं, हम वो मत वाले होते हैं जिससे हमें दुनिया का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, हमें गुरु के वाणी का मतवाला बने हैं, और किसी भी चीज़ का कोई मतवाले हम नहीं हैं। जो गुरु ने कहा वो अटल है, इसलिए गुरु वचन कभी टल नहीं सकता, वो ही फरमान है उस मालिक का, उसको पीना है और किसी को पीने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो मैंने क्या कहा, आगे। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना, मन की शुद्ध बुद्धि खो गई, भोला बना भाला बना। अब जब वो प्याला पी लिया जिसमें गुरु ने ये कहा कि ये मन के जितने विचार हैं ये है नहीं, जितनी कल्पनाएं हैं ये है नहीं, जितने तुम्हारी कामनाएं हैं ये है नहीं, ये केवल इम्प्रेशंस एंड सजेशंस हैं जो तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं, तो बताइए तो तुम्हारे मन में कुछ रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, भोले भाले नहीं बन जाओगे।
बच्चे को कोई किसी से द्वेष नहीं है, बच्चों को कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो जिसको देखता है खुश होता है, नाचता है। ये बेटी आई है कनाडा से, देखी ना, वहाँ नाच रही थी मम्मी के सामने, पापा के सामने नाच रही थी। उसको दुनिया से क्या लेना क्या देना, मम्मी पापा सामने हैं, दादा दादी सामने बैठे हैं और वो मस्ती से अपने नाच रही है, उसको कोई परवाह नहीं। कौन गुरु कौन चेला कौन मंदिर, क्या लेना क्या देना, क्या कहा मैंने, ये हालत हो जाती है। क्योंकि जब तुम्हें गुरु की बात तुम्हारे अंदर उतर गई तो तुम फिर मत मत वाले हो गए। मत मत वाला, मत वाला, मत मीन ख्याल, मत मीन समझ, मत मीन ज्ञान, मत मीन अनुभव, मत मीन विवेक। तुम विवेक वाले हो गए, तुम ज्ञान वाले हो गए, तुम्हें फिर दुनिया से क्या लेना न क्या लेना न कुछ देना, मगन रहना। कबीर साहब का एक शब्द है, क्या कहा मैंने, इसलिए पढ़ो यही फिर लाइन दोबारा। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना, मन की शुद्ध बुद्धि खो गई, भोला बना भाला बना। जब तुम सिमरन करने बैठते हो, फिर करते हो सिमरन, शर्त है अगर तुम सिमरन करते हो और गुरु का ध्यान करते हो तो एक समय आता है कि वहां मन ही नहीं है। तुम मन की शुद्ध बुद्ध भूल गए ना, तुम्हें न अपना पता, तुम्हें न परिवार का पता, न तुम्हें देश का पता, न तुम्हें धर्म का पता, न तुम्हें जाति का पता, तुम निर्मल हो गए निर्मल। ये मल है, मल मीन मिलीनता है, जो गंदगी है बाहर के विचारों की, धर्म की, कर्म की, जो भी कुछ तुम देखते हो, इन्होंने हमारे मन को गंदा किया हुआ है, हमारे मन की निर्मलता को छुपाया हुआ है, हमारे मन को साफ नहीं होने दिया। इसलिए संतों ने जो नाम दान कर रखा सिलसिला, नाम जपो भाई, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। आज भी हम ध्रुव को याद करते हैं, आज भी हम प्रहलाद को याद करते हैं, क्योंकि वो बच्चे थे, उन्होंने कहा हमारा मालिक केवल एक है, दूसरा कोई है नहीं, क्या कहा मैंने। तो उस वक्त पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तुम और किसी को मानते नहीं हो, क्योंकि तुम ये समझ जाते हो, तुम्हें ये अनुभव होने लगता है, जैसा मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि जितने देवी देवता हैं वो तुम्हारे इस चोले में हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। इस ब्रह्मांड में जो भी देवी देवता नर जो कुछ भी नजर आता है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती, सरस्वती तो है नहीं लेकिन हमारे अंदर सरस्वती है, हमारे अंदर सरस्वती है, बाहर है नहीं। माँ तो कह दिया पर तूने के वो गुम हो गई, वो गुम नहीं हुई, उन्होंने खोज ही नहीं की इसकी, क्या कहा मैंने। वो तो हमारे शरीर के अंदर है, जो मूलाधार से चलती है और यहाँ आकर रुकती है तीसरे तिल के ऊपर। हम वहाँ तक जाते ही नहीं, हम त्रिवेणी में नहाते ही नहीं हैं, कुंभ भी हमारे अंदर लगता है, कुंभी भी हमारे अंदर लगती है, हम वहाँ जाते नहीं, चित्रकूट हमारे अंदर है, क्या कहा। जो कुछ भी शब्द इन शास्त्रों में लिखे हैं वो सब हमारे अंदर हैं, मगर वो एक लंबा सत्संग हो जाएगा, मैं उसको ओर नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको आपके अंदर लाना चाहता हूँ कि तुम मत वाले बनो, किसके, गुरु मत वाले बनो, बाकी कुछ नहीं। गुरु मत में कोई किसी तरह का पखंड नहीं है, वहाँ केवल एक बात है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। बस एक ही शर्त है कि अपने मन को साफ करना है, एक मत वाले बनना है, एक गुरु वाले बनना है। आगे पांव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु करम। अब उन्होंने गुरु के चरणों की महिमा गाई है कि जब तुम गुरु के चरणों में सिर झुकाते हो तो क्या होता है।
वो तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। हाथ रखने से क्या होता है कि उनकी शुद्ध भावना, उनका हित आपके सिर के अंदर धस जाता है और वो तुम्हारे शरीर के अंतःकरण को बदल देता है। और वो गुरु का रंग क्या हो गया फिर? फिर पढ़ो यही लाइन, पांव में मस्तक नवाया चित से धारा गुरु का रंग, अंदर तुम्हारा बदल जाएगा। गुरु का रंग ये नहीं कि तुम भी दाढ़ी वाले बन जाओगे, हुक्का पीने वाले बन जाओगे। गुरु के अंदर का जो ज्ञान है वो तुम्हें रंग देगा अपने रंग में, क्योंकि उसमें गुरु का हित है, उसमें गुरु की सद्भावना है आपके लिए। गुरु का तुम्हें चाहता है कि तू भी मेरे जैसा बन जा। क्या कहा मैंने? कैसे? अंदर से, बाहर की शक्ल नहीं है कि तुम दाढ़ी रख लो जा और ड्रामा करो, जे कपड़े अपने बदल लो, वो बात नहीं है। अंदर को बदलना है और वो वहाँ गुरु बैठ जाता है फिर को। क्या कहा मैंने? गुरु का रंग चढ़ जाता है, गुरु की शिक्षा उतर जाती है आपके रोम रोम में और आपका जीवन एक ऐसा हो जाता है, एक सार हो जाता है। आगे, पांव में मस्तक नवाया चित से धारा गुरु का रंग, कीट जिसको पहले सब कहते थे अब ठहरा बिरंग। अब उन्होंने मिसाल दे दी दाता दयाल जी महाराज ने कि जैसे भृंगी एक कीड़े को लाकर अपने मकान में बनाकर मिट्टी का उसमें रख लेती है और वो कीड़ा उस ऊपर की आवाज़ का ध्यान करता है जो भृंगी ऊपर बोल रही है, तो वो खुद ही भृंगी बन जाता है। तो दाता दयाल जी कहते हैं कि गुरु की कृपा ऐसी हो जाती है जैसे जो कीड़ा होता है वो भृंगी बन जाता है। गुरु इसलिए कहा गया है पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, पारस लोहा चंदन करे गुरु कर ले अपने समान। ऐसे कहा ना, कुछ ऐसा है कि शब्द वाणी है। गुरु फिर इंसान को उस लेवल पर ले आता है जिस लेवल पर वो खुद होते हैं। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, मगर किसको लाएंगे? जिसको सत्य की खोज है, जिसको असलियत की खोज है, जिसको हकीकत की खोज है, जिसको सच्चाई की खोज है। ये तीन शब्द मैंने क्यों बोले? क्योंकि अगस्त 1980 में मैं इस कमरे में महाराज जी के पास हाजिर हुआ। किस ख्याल से? इस ख्याल से क्योंकि 79 में भी मेरे सतगुरु महाराज परमदयाल जी महाराज हमीरपुर मेरे पास 4-5 दिन रुके थे और बहुत संगत ने लाभ उठाया और मैंने तो जो लाभ उठाना था वो उठा ही लेता था। तो मैंने हाथ जोड़ कर ऐसे प्रार्थना की, मेरे दाता जी मैं चाहता हूँ इस साल भी आप हमीरपुर का प्रोग्राम बना लें। तो गोपाल जी यहाँ बैठे थे, गोपाल ने मुझे कहा कि जाओ पिताजी से बात करो। तो महाराज जी अकेले बैठे, सत्संग खत्म हो गया, दुनिया चले गई अपने अपने, तो मैं तो चला जाता था महाराज जी के पास। मुझे बहुत याद आता है, मैंने जब प्रार्थना की, पिताजी मैं चाहता हूँ इस साल भी आप हमीरपुर का प्रोग्राम दे दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे क्या कहते हैं मेरे सतगुरु बाबा की, बेटा इस बुढ़े शरीर को कहाँ तक घसीटता रहेगा? और मेरे सिर पर हाथ रख दिया, मैंने तुम्हें हकीकत सच्चाई और असलियत बता दी। मैंने बेटा कोई कमी नहीं छोड़ी, अब तुम्हें कोई भटकने की जरूरत नहीं है। बात मेरी समझ गए? इस कमरे की बात है। तो मेरी आंखों से आंसू की धारा बैठ गई। मैं कह पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं शरीर में आकर आपको शरीर समझ कर ये कहा, मैं नहीं आपको तकलीफ दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम चलो, मुझे जो देना था आपने दे दिया, बस मेरी संभाल करते रहना। बात समझ गए मेरी? गुरु से अपनी संभाल मांगो,
गुरु नहीं गया, तुम चले जाते हो गुरु को छोड़कर, तुम भूल जाते हो कि गुरु चला गया। गुरु ने चोला बदलिया, सिद्क नहारे शिष्य, ये गुरबाणी कहती है। गुरु चोला बदलता है, क्या मतलब? वाणी बदलता है, वाणी का रूप बदल जाता है, लेकिन वाणी वही होती है जो गुरु की होती है। शब्द बदल जाते हैं, शब्द की बोलने की तहरीर बदल जाती है, लेकिन गुरु नहीं बदलता। गुरु शरीर बदलता है, लेकिन वाणी तो वही रहती है। जो उसकी धारा वहाँ से चली, वही धारा चलेगी जो बाबा की छोड़कर गए। क्या कहा मैंने? इसलिए ये असलियत, हकीकत और सच्चाई तुम्हारे अपने अंदर है। तुम क्यों भटक जाते हो? क्यों सोचते हो कि कोई बाहर चीज तुम्हें देने वाली है? हजूर ने फरमाया यहाँ इसी सत्संग में कि तुम्हें कोई, अगर कोई दुनिया का कष्ट आया है, कोई डिमांड तुम्हारी है, अपने कमरे में चले जाओ, वहाँ शुद्ध मन से मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा? लेकिन मैं कहाँ पहुँचा? क्या मांगू, कुछ थिर ना रहा। कबीर साहब की वाणी ज़्यादा जाती है। मैं क्या मांगू? मैंने मांगा ही कुछ नहीं, और बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल। कुछ नहीं मांगा जिंदगी में, सिर्फ उनको मांगा और वो मिल गए, तो बाकी क्या चाहिए? अरे गुरु को मांग लो, बाकी छोड़ दो सब कुछ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने गुरु को मांगा, मुझे गुरु मिल गए। गुरु मिले तो क्या कमाना हो? जब गुरु सिर पर आ गया, जब गुरु की दया आ गई, उनकी संगत मिल गई, उनका प्यार मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, उनका सिर पर हाथ आ गया, फिर कमी किस बात की? कोई कमी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो जी बात को समझने की कोशिश करो। गुरु मत की बहुत बड़ी महानता है, मगर क्या कहूँ, मेरे देश में गुरु मत है बहुत, लेकिन वो गुरु मत नहीं है। गुरु के नाम को बदनाम कर दिया है लोगों ने, गुरु को इंसान मान लिया है, और गुरु भी इंसान बनकर बैठ गए। इंसान बनकर बैठोगे तो दुनिया की जरूरतों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम चाहोगे ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो। क्या कहा मैंने? गुरु की हस्ती तो बहुत ऊंची होती है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, उसको कोई इच्छा ही नहीं होती, वो उसकी मौज में रहता है। तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ, दाता दयाल कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। ये उनका एक शब्द बहुत प्यारा है, बहुत लंबा शब्द है, कभी सुनाया भी था, फिर भी सुना दूंगा कभी। आगे चलो। आप में आपे में आपा खो गया, पढ़ो यही लाइन। आप में आपा रखा, आपे में आपा ज्ञान था। अब क्या मिला? सत्संग से, गुरु से अपने आप का ज्ञान हो गया, हुए माई, और क्या चाहिए? मैं कौन हूं, कहां पहुंचा, मेरी गई गुआची, मैं तो मैनू की होया। इस मैं ने हमें दुनिया को तंग किया हुआ है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना? कौन है, कौन है? ना जिंदगी शुरू होने से पता हम क्या थे, ना जिंदगी खत्म होने के बाद पता लगेगा हम क्या हैं। बीच में झगड़ा कहीं का कर लिया हमने, किस लिए अपने में लड़ने लग गए हम? क्यों ये झगड़े पैदा कर लिए हमने? हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया। होना ये चाहिए कि क्या है, ए इंसान, जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है। फिर पढ़ो यही लाइन, अपने आपा, आप में आपा लखा, अपने अंदर अपने आप को देख लिया। आप में आपा लखा, लखना में देखा, अपने आप को देखा कहाँ, और वो क्या था? वो खुद ही ज्ञान था।
कौन है वो, उस ज्ञान का अनुभव किसको होगा? तुम्हें होगा। मन को उसका अनुभव नहीं होगा, मन को उसका ज्ञान नहीं होगा। मन की बुद्धि तेज हो जाती है, वो मेरे तेरे में तुम्हें देर डाल देगी, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर तुम्हें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। फिर क्या होगा, आगे पढ़ो। पाप में आप लखा, पापे में आपा ज्ञान था, भ्रम में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। तो मन के चक्कर में भरमी है ना, और क्या है, जो चीज नहीं है उसको भी हमने अपने आप को मान लिया कि ये है। क्या कहा मैंने, दाता दयाल जी कमाल कर दिया। भ्रम में पड़ा हुआ था कि देवी ये काम कर देगी, देवता ये काम कर देगा, गुरु मेरे अंदर आ गया तो उसने मुझे ये कह दिया। ये तुम्हारे अंदर कोई नहीं आता, ना देवी ना देवता ना गुरु ना कोई नहीं आता, तुम्हारा अपना ही मन तुम्हें मिसगाइड करता है। हम तो उसके हैं, उस माल के कुल के हैं जिसका कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं। तो तुम्हारा भी रूप नहीं कोई रंग नहीं, क्या कहा मैंने। तुम्हारी सुरत का क्या है, सुरत एक एहसास है, आई एम, बस मैं हूँ। क्या हूँ, कुछ भी नहीं। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जी उतारा प्रभात। हम एक मैं के बुलबुले हैं, कुदरत ने हमें बनाया, कोई विशेष काम देने के लिए यहाँ करने के लिए भेज दिया। अगर हम उसको नेक नीति से नहीं करेंगे तो हम अधर्मी हैं, हमने अपना धर्म नहीं निभाया। हम जो ड्यूटी दी है उस मालिक ने, जो भी ड्यूटी मिली है हमें करने के लिए, किसी भी रूप में मिली है, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, टीचर के रूप में, कोई भी काम हमें जो कुदरत ने दिया है, उसको निस्वार्थ होकर साफ दिल से दूसरों के भले के लिए करो, उनको भी सुख मिले और तुम्हें भी सुख मिले तो फायदा होगा। अगर तुम ये कहोगे कि वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जे हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ब्रह्म है सारे का सारा, तो जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है, घट में है, बाहर कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भी, दाता दयाल जी महाराज का। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भी, ये उन्होंने लिख दिया। कबीर साहब ने भी यही कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर साहब ने भी यही कहा। गुरु नानक साहब की वाणी ले लो, वो भी यही कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा निरंतर घटी को जो भाई, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन फिर भी हम किधर जा रहे हैं सोच लो। हम हैं ना बिगड़े हुए इंसान, बिगड़े हुए भगवान की क्या कहूँगा संतान। हम कृतघ्न हैं, ना गुरुओं की बात मानी, ना ऋषियों की बात मानी, ना किसी महापुरुष की बात मानी, ना गुरु की बात मानी, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। हम सब मन के मारे हुए हैं, इसलिए ऐ इंसान तुम्हें गुरु ने नाम बख्शिश कर दी, तू नाम का सिमरन कर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तू दो काम कर ले, ज़्यादा ना कर, सिमरन कर और गुरु का ध्यान कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुदरत तेरे को खुद उधर लेते जाएगी, कुदरत तेरी खुद मदद करती जाएगी, तुम्हें कोई सुखना सुखुण की लोड़ नहीं है। क्या कहा मैंने, कोई सुखना नहीं सुखड़ी कि ऐसी इन्ने पैसे ला के आ कर देंगे, ऐसी आ कर देंगे, ऐसी क्या कर देंगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उसको अपने मन में बैठा लो, उसको अपने चित्त में बैठा लो, उसको अपने हृदय में बैठा लो, उसको अपने विश्वास में बैठा लो और उसको अपनी आस में बैठा लो। एक आस और एक विश्वास रख लो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। पर उसमें फिर डोलना नहीं है, फिर डोलना नहीं है। फिर कहा है ना, थिर कर बैठो, थिर ठहर जाओ, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे
काज सुवारे। इतना ही नहीं, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, तुम्हारा विरोध भी कोई नहीं कर सकता। जन की पैज रखी करता रे, और तुम्हारी पैज वो अपे रखूंगा। क्या कहा मैंने? अब बताओ गुरु साहबान ने कितनी बड़ी बात कह दी, क्या कोई इसको मानने वाले हैं? जो पढ़ते हैं गुरबाणी भी पढ़ते हैं, क्या वो मानते हैं? उनको पूछो जरा। नहीं, क्यों ही नहीं मानता? बस सब ने अपने भोजन का साधन बना लिया और बस ठीक है, बल्ले बल्ले, और क्या लेना दुनिया से। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन, भर्म में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। जब गुरु मिला तो भ्रम भी चले गए, भूला भी, वो भी चला गया, खत्म हो गया। फिर आगे क्या है? सब के सुनते ही अंतर में जो बीती सो गई। अब क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ जब गुरु की बात पर चला तो? फिर क्या हुआ? अंतर में शब्द सुना, अंतर में शब्द सुना। ये शब्द को मैं पुकार पुकार कर सिमरन किया करता था, वो शब्द सुना तो वृत्तियां सब सो गई। ना मन रहा, ना चित रहा, ना बुद्ध रहा, ना अहंकार रहा, वो सब कुछ शांत हो गया। फिर पढ़ो यही लाइन, शब्द के सुनते ही अंतर में जो बीती सो गई। क्या होती है? हमारी अटेंशन, हमारी अटेंशन, जिसको कहते हैं होश, सुरत होश, जिसको कहते हैं हमारी होश भटकी हुई है ना बाहर, कभी इधर कभी उधर। जब वो शब्द सुना तो कोई वृत्ति नहीं रही। 25 तरह की वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मेन हैं। इनके 5-5 आगे हिस्से हैं, 5 के काम के 5 रूप हैं, क्रोध के 5 रूप हैं, मोह के 5 रूप हैं, लोभ के 5 रूप हैं, और ऐसे ही आगे अहंकार के 5 रूप हैं। ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो वो सारी की सारी सो गई, खत्म हो गई। क्या हुआ फिर आगे? फिर पढ़ो आगे, सब के सुनते ही अंतर में जो बीती सो गई। हाँ, छिन पल में बासना माया की सारी खो गई। फिर क्या हुआ? मन की माया, मन के चिंतन, मन के ख्याल, मन की वासनाएं, मन की कामनाएं सभी सो गई, खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा। कौन रह गया? तुम रह गए। कौन रह गया? वो शब्द रह गया, तुम और वो शब्द रह गया। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। जब वहां पहुंच जाओगे तो ये दुनिया नहीं है, वहां तुम्हारी दुनिया हो गई शुरू। तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, ये फिर बेगाना हो जाता है। और फिर क्या हुआ आगे? रसद के सुनते ही अंतर में जो बीती सो गई। आगे छिन पल में बासना माया की सारी खो गई। कोई ख्याल नहीं, मन है ही नहीं वहां, वहां मन नहीं है, ना मन, ना मन की माया, ना शरीर का एहसास, ना मन का एहसास, ना आत्मा का एहसास। फिर एक बात कह देता हूं, जब तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है नाम जपते हुए, बात को गौर से सुनना, तो तुम्हें सांस का पता चलता है कि सांस चल रही है। शरीर जब सुन्न होने लगता है तो तुम्हें सांस का पता चलता है कि सांस चल रही है। फिर जब मन शांत होने लगता है तो फिर तुम्हें पता चलता है कि मन से विचार पैदा होने लगे हैं, मन विचार पैदा करता है, तुम उसको भी छोड़ देते हो। फिर तुम आत्मा में जब स्थिर होते हो तो तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा होता है, तुम प्रकाश देखते हो, वह मन नहीं है, तुम्हारा तीसरी स्टेज आ गई। फिर जब तुम उससे आगे चलते हो
तो अंदर शब्द पैदा होता है। क्या कहा मैंने? वो शब्द सुरत का शब्द है, वो शरीर का शब्द नहीं है। शरीर का सांस शब्द है, मन का विचार शब्द है, और आत्मा का शब्द क्या है? प्रकाश है। और सुरत का शब्द फिर वो आगे आता है, वो क्या है शब्द? फिर अगली लाइन पर राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राज को। फिर क्या होता है? फिर क्या गाता है आदमी? कौन सी धुन गाता है? वही धुन जो उसने अंदर सुनी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम को गा रहा हूं। धर्म में कहता हूं अपने आप को, दाता दयाल कहते हैं, मैं वही राग गा रहा हूं, वही राग जो मैंने सुना मैं वही गाता हूं, और फिर अपने आप को धन्य मानता हूं कि ऐ मालिक तू बहुत कृपालु है, ऐ मेरे सतगुरु तू बहुत मेहरबान है, तू परम दयाल है, आपने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए, आपने सारी निबलता दूर कर दी, आपने दुर्मति दूर कर दी, आपने भृगी बना दिया, आपने मुझे काग से हंस बना दिया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तेरा ही नाम सिमरन करता हूँ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी गा रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं? कहता हूँ अपने आप को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राज को गा रहा हूँ। धन्य मैं कहता हूँ अपने भाग्य को। अब और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए बताइए? ये गुरु की कृपा है, ये तुम्हारे सतगुरु की कृपा है, ये तुम्हारी उस मेहरबान की कृपा है जो केवल इसलिए आया कि कोई निबल मेरे पास आ जाए, कोई अबल मेरे पास आ जाए, कोई अज्ञानी मेरे पास आ जाए, तो मैं उसके जीवन को सुधार दूँ। तो मेरी तो तीनों बातें को ख़त्म कर दिया। मैं इसलिए अपने दाता का गुण गाता हूँ, मेरा दाता राधा स्वामी है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में आए क्यों? अपने जैसों को समझाने के लिए, क्योंकि इंसान को केवल इंसान ही समझा सकता है, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, तुम गुरु की महिमा को समझो, और समझोगे तभी जब आप गुरु की बात पर चलोगे। अगर चलोगे नहीं, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तब जाकर बात बनेगी। अगर आए सुना इधर से इधर निकाल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम राधा स्वामी को मानते हैं तो सच्चे राधा स्वामी बनने की कोशिश करो। वो सबसे ऊंचा शब्द है, वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये साइंटिफिक शब्द है और बिल्कुल मेटाफिजिक्स का शब्द है। ये आम इंसान के मुँह से नहीं निकला, वहाँ से धुन आई और इसको जाहिर कर दिया हजूर दा राय सालग्राम साहब जी महाराज ने। इसलिए मैंने आज आपको गुरु की महिमा के ऊपर बहुत कुछ कह दिया है। आप मानो ना मानो आपकी मौज, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। आप सुखी रहो, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे, आपके मन को शांति दे, तुम्हारे घरों में सुख हो, शांति हो सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।